हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको इंडिसेस एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 6A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 6B। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स। यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है 2^5x डिवाइड 2^x इज इक्वल टू रूट के यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 5, यानी ये 5 टाइम्स वाला रूट है, और 2^20। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड पे देखोगे, लेफ्ट हैंड पे बेसिस जो हैं वो सेम है, और दोनों बेसिस जो सेम है उनके बीच में आ रहा है डिवाइड। तो हमें यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में अगर बेस सेम होते हैं और बीच में डिवाइड का साइन आता है तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो पावर हम 5x और x को माइनस करके लिखेंगे इज इक्वल टू। अब यहाँ पर बारी है रूट को हटाने की। प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या अदर काइंड ऑफ रूट को जब रिमूव करते हैं तो उसकी प्लेस पर पावर में लिखते हैं 1/, तो यहाँ पे 2^20 तो पहले से ही है, रूट जो है वो 5 वाला है, तो हम जब इस रूट को हटाएंगे तो आंसर में जो पावर आएगी वो आएगी 1/5। अगर ये क्यूब रूट होता, 3 वाला रूट होता, तो 1/3 आती। स्क्वायर रूट होता तो 1/2 आती। तो हमने यहाँ रूट हटाया और रूट हटा के पावर जो है 1/ बनाई है। जितने टाइप का वो रूट था उतने ही 1/ मिलेंगे हम। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 2^5x माइनस 1x है, 5x में से 1x को माइनस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में 2^4 बचेगा 4x इज इक्वल टू 2^4। एक अंदर है और एक बाहर है, तो यहाँ भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे। जब भी पावर एक इनसाइड में दी हो और एक आउटसाइड में दी हो तो दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो 20 की मल्टीप्लाई 1/5 से होगी। 5 से 20 4 टाइम कटेगा, तो यहाँ पर हमारे नेक्स्ट स्टेप में 2^4x इज इक्वल टू 2^4 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप बेसिस तो सेम देख रहे हैं और बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, तो जब ऐसा कुछ देखेंगे आप कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपको सिमिलर सी दिखाई दें और उनके बीच में इक्वल आ रहा हो, तो यहाँ पे आप कंपेयरिंग करोगे बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो सेम जैसे दिखने वाली बेसिस तो आप छोड़ देंगे, पावर को आपस में इक्वल ले लेंगे, तो 4x इज इक्वल टू 4। बेस सेम थे तो बेस को तो हम छोड़ देंगे, पावर को इक्वल लेंगे, तो 4x बराबर 4 हो गया। अब x के साथ जो 4 है वो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई वाला 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4। 4 से 4 को कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया x इज इक्वल टू 1। अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड, फाइव रेज टू द पावर x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3^2x-3 इज इक्वल टू 135। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड पे जो बेसिस दिए हैं अगर आप उन बेसिस को देखो तो वो सेम नहीं है, तो लेफ्ट हैंड पे तो आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ नहीं करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के लिए बेस का सेम होना कंपलसरी है। यहाँ बेस 5 है, यहाँ बेस 3 है, सेम नहीं है, तो लेफ्ट हैंड को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। 5^x-2 इंटू 3^2x-3 इज इक्वल टू 135 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करोगे रफ में। 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 के टेबल से होगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 के टेबल से करेंगे 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 1 और 5 15, 3 5 जा 15। अब 3 के टेबल से फिर दोबारा करेंगे 5 जा 5 के टेबल से
वन जा। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 की पावर तो 3 बन रही है और 5 की पावर 1 बन रही है। तो 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने पे आंसर आया है 3 raised to the power 3 मल्टीप्लाई 5 raised to the power 1। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे जो बेस आ रहे हैं वो इक्वल के राइट हैंड साइड पर भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन भी दिख रहा है, तो आपको वही सेम स्टेप जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में सीखा था, आपको बेसिस तो सेम दिख रहे हैं, तो ऐसे केस में आप कंपेयरिंग करोगे बोथ साइड्स। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब आप दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करोगे, बीच में इक्वल आ रहा था, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कंपेयर जो है 5 बेस वाले को 5 बेस वाले से कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि 5 को 3 वाले से कंपेयर करें, ये बेस 5 है और राइट हैंड साइड पे ये बेस 5 है, तो इनको आपस में कंपेयर करोगे। तो जब कंपेयरिंग करेंगे दोनों साइड्स पे, तो 5 की पावर में x माइनस 2 था वो इक्वल लिया जाएगा जो 5 की पावर में राइट हैंड साइड पे 1 था। सेम वे में 3 की पावर में भी होगा, आप 3 की पावर वालों को कंपेयर करके देखो, 3 की पावर लेफ्ट हैंड पे क्या आ रहा है 2x-3 और इज इक्वल टू 3 की पावर राइट हैंड साइड पे जो आ रहा है वो आ रहा है 3। तो हमने 3 वालों को कंपेयर करके पावर को यहाँ लिख दिया और जो 5 बेस वालों की पावर थी उनको कंपेयर करके इधर लिखा। अब आप x को यहाँ अकेले बनाओगे तो -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 1 + 2, तो फाइनली x का आंसर 3 बनेगा। इधर भी सॉल्व करके देखो, इधर भी आंसर वही आएगा, 2x माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2x = 3 + 3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 2x = 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, x = 6/2 कट करेंगे तो फाइनली यहाँ पर भी आंसर x का 3 ही आएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट का। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। नाइन इंटू 81 raised to the power x इज इक्वल टू 1/27 raised to the power x-3। सबसे पहला वर्क आपको यहाँ जो बेस दिए हैं उन सब बेस को प्राइम बना लेना है। यहाँ 9 जो दिया है वो भी प्राइम नहीं है, 81 भी प्राइम नहीं है, तो हम 9 को प्राइम बनाने के लिए हम इसे 3 की पावर लिखते हैं। 9 जो होता है ना वो 3 का स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई 81 को अगर आप 3 की पावर में लिखोगे प्राइम फैक्टर लेके इस तरह से, तो ये 3 की पावर 4 बनेगा। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आता है, और ऑलरेडी जो पावर x थी वो हम होल पावर में लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/27 है नीचे, इसे भी बेस को चेंज करके 3 लाएंगे हम, तो 27 जो होता है वो होता है 3 की पावर 3, 3 × 3 × 3 27 होता है 3 बार, तो हम 27 हटा रहे हैं, 3 की पावर 3 लिख रहे हैं और होल पावर में ये जो पहले से ही पावर है उसको लिख रहे हैं x-3। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 3 की पावर 2 ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 अंदर है और 1 बाहर है, इनसाइड और आउटसाइड पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 4x हो जाएगा। सेम वर्क राइट हैंड साइड पे भी करेंगे, 1/3 की पावर इनसाइड वाली आउटसाइड वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो इनसाइड वाला 3 आउटसाइड में 2 पावर हैं, इनको दोनों से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × x 3x - 3 × 3 9। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ, बेस यहाँ पर सेम है लेकिन दो दो बार लिखे हैं, तो सिंगल बेस बनाएंगे, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएंगी, तो 3 की पावर 2 + 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर जो बेस 3 है वो नीचे है, हम इस नीचे वाले बेस को ऊपर लाएंगे, और जब कभी भी नीचे से कोई टर्म ऊपर जाएगा तो उसकी पावर जो है वो चेंज हो जाएंगी, उल्टे साइन की हो जाएंगी, और अगर ऊपर से नीचे लाएंगे तो भी उसके साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ 1/ में लिखा हुआ जो अपॉन के नीचे था इसको ऊपर लाऊंगा, और जब मैं इस पूरे को ऊपर लाऊंगा तो इसकी पावर जो है उनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 3 की पावर 3x जो प्लस का था वो हम ऊपर ला के माइनस का बना देंगे, और जो 9 माइनस का था नीचे वो जब ऊपर आएगा तो वो पावर प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो इसे ऊपर लाने से रेसिप्रोकल करने से
जो पावर थी उसके साइन रिवर्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे बेस सेम है 3-3 और बीच में इक्वल का साइन है, तो हमें यहाँ कंपेयरिंग करना है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे कंपेयर करेंगे तो 3-3 बेस तो छोड़ देंगे हम, पावर को इक्वल लेंगे, 2+4x इज इक्वल टू माइनस का 3x+9, 4x माइनस का 3x इधर आ जाएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 9, ये जो प्लस का 2 है ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 4+3 7x। फाइनली x को अकेले बनाने के लिए 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट के थर्ड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, पार्ट नंबर 4। 9 raised to the power x मल्टीप्लाई 3 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 27 raised to the power 3 अपॉन 3 multiplied 81 power 4 इज इक्वल टू 27। सबसे पहला स्टेप, जहाँ जहाँ प्राइम नंबर बेस में नहीं दिख रहा उनको आप पहले प्राइम फैक्टर लेके प्राइम बना लो। 9 का प्राइम फैक्टर लोगे ना तो 9 जो होता है 3 × 3 होता है, तो 3 की पावर 2 आएगा, एक पावर पहले से ही है तो वो इसी के साथ मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी। मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 27 है, 27 को आप लिखोगे 3 की पावर 3 और जो पावर पहले से है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी, या फिर आप ब्रैकेट के बाहर लिख लो। इधर भी आप यही वर्क करो, जो पहले से ही पावर मौजूद थी वो ब्रैकेट के बाहर लगा दो। अपॉन नेक्स्ट वर्क क्या करना है, डिनोमिनेटर में भी वही सेम स्टेप, 3 को तो प्राइम है तो एज इट इज़ लिखेंगे, 81 के प्राइम फैक्टर लेंगे हम तो 3 की पावर 4 बनेगा और ऑलरेडी पहले से ही एक पावर 4 भी लिखी हुई है, इज इक्वल टू 27 भी प्राइम नहीं है, इसको भी हम 3 raised to the power 3 लिखेंगे। नेक्स्ट वर्क, लेफ्ट हैंड पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर इनसाइड और आउटसाइड मल्टीप्लाई हो गए 2x, 3 की पावर 5 3 की पावर 3 इनसाइड में 3 आउटसाइड में मल्टीप्लाई हो गए 9 अपॉन 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1, 3 की पावर इनसाइड और आउटसाइड वाली मल्टीप्लाई होंगी तो 4 जा क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 3 raised to the power 3। नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, ऊपर न्यूमरेटर में सारे बेस सेम दिख रहे हैं आपको और सबके बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है प्लस, तो 3 की पावर 2x प्लस 5+9 करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब ऑन में भी वही वर्क करना है, बेस क्या है सेम है तो बेस को तो ऐसे ही लिखो और पावर को प्लस कर दो, 1+16 क्या बन जाएगा 17। तो ऊपर भी पावर सारी सेम, बेस सेम होने की वजह से प्लस हो गई और यहाँ भी प्लस हो गई, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाया, सबके बेसिस के बीच में मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब अभी भी बेस सेम नज़र आएंगे, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो बेस सेम है और बीच में आ रहा है इन दोनों के अपॉन, अपॉन का मतलब डिवाइड होता है और डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो 3 की पावर 2x+14 जो ऊपर था उसमें आप माइनस कर दो नीचे वाली पावर को, नीचे वाली पावर 17 थी ऊपर आके माइनस हो गई है, इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 3 की पावर 2x को तो ऐसे ही लिखें, प्लस का 14 और माइनस का 17 जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे बेस सेम है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कंपेयर करोगे तो बेस जो सेम है उन्हें तो आप छोड़ दोगे, पावर को इक्वल लोगे, 2x-3 इज इक्वल टू पावर 3। कंपेयरिंग करने पे सेम जैसी दिखने वाली चीज़ को छोड़ दिया करते हैं, कट कैंसिल हो जाती है वो और पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 होगा, 2x इज इक्वल टू 3+3 तो 2x इज इक्वल टू 3+3 क्या होता है 6, तो x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई का 2 इधर डिवाइड में आएगा और इन्हें कट करेंगे तो फाइनली x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा।
तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर फोर्थ का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन है 13 पावर में रूट एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 6। देखो 13 की पावर में आपको रूट एक्स नज़र आ रहा है, 13 की पावर में रूट एक्स, तो आप भी ऐसे ही लिख दो इसको, तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। 13 की पावर रूट एक्स, 14 की पावर 4 है, आप 4 की पावर 4, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 4 × 4 × 4, तो 4 बार मल्टीप्लाई करके 256 आंसर बनेगा। ऐसे ही 3 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 81 आएगा, माइनस 6 एज इट इज़। 13 की पावर रूट एक्स को तो ऐसे ही लिखें, 256 में से माइनस करेंगे 81 को तो आंसर बनेगा 175, फिर उसमें से माइनस करेंगे 6 को तो आंसर बनेगा 169। तो इन्हें सॉल्व करके 169 आया। लेफ्ट हैंड पे बेस आपको नज़र आएगा कि लेफ्ट हैंड पे जो बेस है ना वो 13 है, पावर में कुछ भी हो बट बेस 13 है, तो इधर भी 169 को हम 13 की पावर दिखाएंगे, तो 13 की पावर रूट एक्स इज इक्वल टू 169 जो होता है ना वो 13 × 13 होता है, मतलब 13 का स्क्वायर होता है। अब दोनों साइड सिमिलर से दिख रही हैं बेस सेम होने की वजह से, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स कंपेयर करने से बेस जो सेम थे वो तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा रूट एक्स इज इक्वल टू 2। रूट हटाने के लिए हमें करनी पड़ेगी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ताकि हम एक्स के ऊपर वाला रूट हटा पाएँ, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करने की वजह से, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि आंसर होता है 4। तो फाइनल आंसर फोर्थ पार्ट का आपका यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 3/4 होल पावर 2x-3 इज इक्वल टू 4/3 होल पावर x-1। देखो यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे कि बेस कुछ कुछ सेम से है, एग्जैक्टली सेम नहीं कह सकते बट थोड़े थोड़े तो सेम दिखाई दे रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे 3/4 लिखा है तो वहाँ पे 3/4 होना चाहिए था, जबकि उल्टा दिया है, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें अगर इसके जैसा सेम दिखाना है। तो आपको यहाँ पे क्या स्टेप फॉलो करना है, लेफ्ट हैंड साइड को तो आप ऐसे ही लिखो, राइट हैंड साइड का जो बेस है वो इसके जैसा सेम नहीं है, तो हम इसको सेम बनाने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं 3/4। और रूल ये है कि जब आप फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करोगे तो उसकी पावर के साइन को चेंज कर दोगे, पावर एक्स प्लस की थी तो इसे माइनस की बना दो, और जो माइनस की पावर थी वो प्लस की बना दो। अगर आप किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर रहे हो तो उसके पावर के साइन को रिवर्स इन्वर्ट कर देना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। ऐसा करने से हमें बेस दोनों साइड्स पे क्या मिल गए, सेम मिल गए। अब आप सेम है बेस तो कंपेयरिंग कर सकते हो, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बेस सेम है और बीच में इक्वल भी आ रहा है, इक्वल आने की वजह से हम कंपेयरिंग कर रहे हैं दोनों साइड्स पे। कंपेयरिंग करने से बेस जो सेम है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, 2x-3 इक्वल हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस वन के, दोनों पावर इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 2x के पास ये माइनस का एक्स आ जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 2x में x को जोड़ेंगे तो 3x, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और फाइनली x आ जाएगा 4/3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकेंड के फर्स्ट पार्ट का। अब देखें नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकेंड, स्क्वायर रूट 6 होल पावर 2x+4 इज इक्वल टू 216।
देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट 6 है और उसकी पावर दी है, यहाँ पे आपको 6 की पावर दिख रही है बट उस पर रूट भी है। मैं चलो रूट को हटाता हूँ, सबसे पहला काम क्या करता हूँ मैं यहाँ से रूट को हटाता हूँ, 6 को ऐसे ही रहने दो। और अगर आप रूट को हटाओगे तो आप जानते हो ये रूट जो है ना वो स्क्वायर रूट है, इस पर कहीं पर पावर, यहाँ रूट पर छोटा सा 3 नहीं लिख रहा, रूट पे छोटा सा 5 नहीं लिख रहा, तो ये रूट कौन से टाइप का है, स्क्वायर रूट। और जब रूट हटाया जाता है तो 1/ पावर बनती है 1/, अब वो टाइप ऑफ रूट पे डिपेंड करता है, अगर क्यूब रूट है तो पावर में आएगा 1/3, अगर रूट 5 वाला है तो पावर में आएगा 1/5, ये स्क्वायर रूट था तो पावर में आएगा 1/2। और मल्टीप्लाई पहले से ही एक पावर दी है 2x+4, ठीक है। अगर ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप ऐसे लिख लो, ब्रैकेट के अंदर ही पावर लो रूट हटा के 1/2, और पहले से ही जो पावर थी वो बाहर रखो 2x+4, ऐसे करने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और इज इक्वल टू 216 है। नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, 6 की पावर इनसाइड और आउटसाइड जो है उनको मल्टीप्लाई करना है, तो 6 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2x+4 इज इक्वल टू 216 जो है ना वो 6 की पावर बनाया जा सकता है। देखो लेफ्ट पे बेस 6 है तो राइट पे भी हम बेस 216 हटा के 6 बनाएंगे, अगर आप 6 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 बनेगा, फिर दोबारा 36 की 6 से कर लोगे तो 216 ही आता है, मतलब 216 जो है वो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो 6 की पावर 3। अब आप क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर कंपेयर करेंगे, तो ऐसा करने से जो सेम बेस हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगे और 1/2 ब्रैकेट 2x+4 इक्वल हो जाएगा 3, मतलब दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की जो पावर हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगी कंपेयर करने से, डिवाइड बाय 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x+4 इज इक्वल टू 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 4 इधर आके माइनस होगा तो 2x = 6 - 4, तो 2x = 2 x = 2/2 और कैंसिल करके फाइनल आंसर x का 1 हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन 8x⁻¹। ये डिटरमाइन का मतलब फाइंड करना है और गिवन क्या है वो इफ़ के आगे दिया है, तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यू का यूज़ करेंगे, गिवन है 9x+2 इज इक्वल टू 240 + 9x, जो गिवन है हमने उसे नोट किया है, फाइंड करने वाली वैल्यू बाद में करेंगे हम, ठीक है। देखो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि राइट हैंड साइड पे 9x आ रहा है, लेफ्ट हैंड पे भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 9x जो लेफ्ट पे आ रहा है उसके साथ +2 भी आ रहा है, ये +2 नहीं होना चाहिए था, तो आपको यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है, 9x के साथ 9^2 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि रूल ये है कि बेस सेम लिए जाएं और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस होती है, तो यहाँ पे पावर प्लस होके लिखी हुई थी तो हमने इनको अलग अलग बेस के साथ दिखा दिया मल्टीप्लाई में लेकर के, इज इक्वल टू 240 + 9x। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट वर्क, 9x एज इट इज लिखो इनटू 9 का स्क्वायर कर लो, 9 जा क्या होता है 81 इज इक्वल टू 240 + 9x। ये 9x वाला इधर ले आओ 9x वाले के पास, तो आपका आंसर बनेगा 9x इंटू 81 माइनस 9x इज इक्वल टू 240। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, इक्वल के लेफ्ट हैंड पर दो टर्म है आपके पास, ये मल्टीप्लाई वाले अलग अलग नहीं है, ये एक ही गिने जाएंगे और जो माइनस के आगे आ रहा है वो दूसरा गिना जाएगा, तो दो टर्म है आपको इक्वल के लेफ्ट हैंड पे, इन दोनों में से आप 9x को कॉमन निकालो ब्रैकेट के बाहर, तो आपके पास यहाँ तो बचेगा 81 माइनस, इसे कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू 240। नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे, 9x ब्रैकेट 81 में से 1 को माइनस करेंगे तो 80
इज इक्वल टू 240। ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दी, यहाँ 9 की पावर x और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई का 80 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड पे बचेगा 9 की पावर x इज इक्वल टू 240 डिवाइड 80, ज़ीरो कट हो जाएंगी, 8 से 24 3 जा, तो फाइनली हमारे पास बचा 9 की पावर x इज इक्वल टू 3। 3 की पावर कुछ नहीं है तो 3 की पावर 1 है। अब लेफ्ट हैंड पे जो ये 9 है ना, इसे भी आप 3 की पावर लिखो, क्योंकि दोनों हैंड पर बेस सेम होने चाहिए, तो 9 बदल लो और 3 का स्क्वायर लिख लो, और जो पहले से ही पावर एक्स थी वो भी लगा दो, तो 3 की पावर 2x हो गया, कौन 9 की पावर x की प्लेस पर, और इक्वल में क्या है 3 की पावर 1, दोनों बेस सेम है, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स बेस सेम हो गया, तो पावर इक्वल हो जाएंगी, बेस छोड़ देंगे, 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू जो मल्टीप्लाई का 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आंसर शीट में आपका क्वेश्चन नंबर 3 में 2 दिया है, हमारा आ रहा है 1/2। अच्छा, हमने अभी पूरा नहीं करा, ये हमने x फाइंड करा, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, फाइंड तो कुछ और करना था, देखो डिटरमाइन हम इसे करना भूल गए हैं, पहले इसे भी फाइंड करते हैं। 8x raised to the power x का आंसर भी पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको 8 के आगे कोई साइन तो दिया नहीं, तो मल्टीप्लाई लगाना है, x हटा के x की वैल्यू भरनी है 1/2, और होल पावर में जो x था उसकी भी प्लेस पर 1/2 लिखना है। अब ये 2 से 2 कटेगा कितना 4, तो आपके पास यहाँ बचेगा क्या 4 की पावर 1/2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 4 जो है ना वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 हटा देंगे और 2 की पावर 2 लिखेंगे, और जो पहले से ही पावर है वो मल्टीप्लाई में लगाएंगे, अब पावर से पावर कट जाएंगी ये, तो फाइनली हमारा आंसर वही बचेगा 2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 3rd का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4। 2 की पावर 5x इज इक्वल टू 5 की पावर 2y इज इक्वल टू 50 की पावर 3z। आपको क्वेश्चन में कहा है कि अगर ये 3 के आंसर इक्वल है, इसका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर, सबके आंसर आपस में इक्वल है, ये तो कह दिया कि इन सब के आंसर इक्वल हैं, लेकिन इन सब का आंसर आ क्या रहा है वो नहीं बताया। जैसे सपोज़ करो मैंने लिखा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, तो इसका मीनिंग क्या है कि x की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है और z की जो वैल्यू है, वो सब क्या है, इक्वल है, लेकिन कुछ आंसर तो होगा ना उनका। जैसे सपोज़ x का आंसर 2, y का आंसर 2 और z का भी आंसर 2, तो इन तीनों के ही आंसर 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब तीनों आपस में क्या है, इक्वल। तो ये तीनों आपस में इक्वल क्यों हैं, किसी एक वैल्यू की वजह से ही तो इक्वल है ना, तो यहाँ वो वैल्यू तो दी नहीं, आपको यहाँ लेट करना है। मान लो कि ये जो सब आपस में इक्वल हैं, 2 की पावर 5x, 5 की पावर 2y, 50 की पावर 3z, ये सब जो आपस में इक्वल हैं, ये इक्वल इसलिए हैं क्योंकि इन सब का आंसर के आ रहा था। कोई भी अल्फ़ाबेट मान सकते हो, मैंने के मान लिया, क्वेश्चन में जो अल्फ़ाबेट नहीं था मैंने वो माना के, ठीक है ना। मानने को कोई अदर अल्फ़ाबेट भी मान सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आप के ही माने, बट वो मानना जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिखाई ना दे रहा हो। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 2 की पावर 5x का भी आंसर के, 5 की पावर 2y का भी आंसर के, 50 की पावर 3z का भी आंसर के। हमने यहाँ तीनों के आंसर को अलग अलग लिख दिया कि इन सब के आंसर के ही थे, इसीलिए ये तीनों आपस में क्वेश्चन में इक्वल दिए गए थे। मैंने इनको अलग अलग करके लिख दिया कि इन इसका भी आंसर के है, इसका भी आंसर के है, इसका भी आंसर के। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आपने नेक्स्ट वर्क यहाँ पर ये करेंगे कि हम यहाँ 2 की पावर 5x है, मैं यहाँ से पावर को हटा के इधर लाऊँगा और यहाँ पे सिर्फ 2 का आंसर बनाऊंगा, तो 2 का आंसर बनेगा k की पावर 1/5x। अब ये एक रूल है, क्या रूल है कि जब कोई पावर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे जाएगी ना, तो राइट हैंड पे भी जाकर वो पावर ही बनेगी, बट
रेसिप्रोकल होके लिखी जाएगी। देखो लेफ्ट हैंड पे मैंने 2 की पावर क्या लिखा हुआ था, 5x लिखा हुआ था, तो पावर में था ना 5x। राइट हैंड पे जब जाएगा तो वहाँ पे भी पावर में ही लिखा जाएगा, पावर जो है पावर में ही जाएगी बट रेसिप्रोकल हो जाएगी। सेम वर्क हम इधर भी करेंगे, 5 को अकेले करेंगे, ये जो पावर 2y है ये इधर लाएंगे तो k की पावर में ही जाएगा 2y, क्योंकि इधर भी पावर थी तो उधर भी पावर होगी। बस फर्क इतना है कि जब ये 2y उधर जाएगा पावर वाला तो उल्टा हो जाएगा 1/2y। तो मैंने यहाँ आंसर 2 का बनाया और 5 का बनाया। अब आगे क्या बोला है, 50 की भी पावर 3z है तो ये पावर इधर लाओ, 50 इज इक्वल टू k की पावर में आ जाएगा ये 3z, तो इधर वाली पावर उधर जाके रेसिप्रोकल होगी, 3z उधर जाके बन जाएगा 1/3z। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, देखो 2 एक प्राइम नंबर है और ये 2 का आंसर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है ये 5 का आंसर है, 50 प्राइम नहीं है और ये 50 का आंसर दिया है, बट 50 जो है वो प्राइम नहीं है, हम इसके प्राइम फैक्टर लेंगे। जब आप 50 के प्राइम फैक्टर लोगे ना तो 2 × 5 × 5 बनेगा, रफ में आप करके देखना यही आएगा। k की पावर 1/3z जो राइट हैंड पर था उसको ऐसे ही लिखो, तो ये हो गया 2 × 5 × 5 हो गया 5 की पावर 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/3z। ये जो 2 है इस 2 की प्लेस पर आप 2 का आंसर रख दो, k की पावर 1/5x, थोड़ा बड़ा करके सही से लिखेंगे, 2 हटा दिया और k की पावर 1/5x लिख दिया। मल्टीप्लाई ये 5 जो है इस 5 को भी हटाते हैं, ये जो 5 है ना इस 5 को हटाएंगे, 5 हटा के क्या लिखेंगे, k की पावर 1/2y। ये मैंने 5 की प्लेस पर लिखा जो ये 5 का आंसर बनाया था, बट अभी 5 के ऊपर भी कुछ पावर थी यहाँ 2, तो वो पावर होल में लिखूँगा 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/3z ऐसे ही। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, k की पावर 1/5x इंटू k की पावर इनसाइड और आउटसाइड में जो लिखी है इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, k की पावर 1/2y की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो ऊपर का 2 और नीचे का 2 कट जाएगा इज इक्वल टू k की पावर 1/3z। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, ये भी k बेस है, ये भी k बेस है और बीच में आ रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है प्लस, तो हमें यहाँ k की पावर दोनों जो हैं लेफ्ट पे वो प्लस कर देनी है, 1/5x के साथ प्लस कर देना है 1/y को और इक्वल में आ जाएगा k की पावर 1/3z। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे आपको क्या नज़र आएगा कि सेम बेस आ रहे हैं और बीच में आ रहा है इक्वल, तो अभी हमने प्रीवियस कितने सारे क्वेश्चन करे हैं जिनमें यही सब काम था क्या कि बेस सेम आ रहे हैं और बीच में इक्वल आ रहा है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये रफ वर्क था, ये नहीं लिखना आपने, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, तो बेस बेस जो सेम थे उन्हें तो कट कर देंगे हम, बचा क्या 1/5x प्लस 1/y इज इक्वल टू, ये लेफ्ट की पावर इधर लिख दी इक्वल, अब राइट की पावर लिखते हैं 1/3z और अब हम इनको रीअरेंज करेंगे, इनका रीअरेंजमेंट करेंगे, जो चीज़ प्रूव करनी है वो यहाँ इधर लाकर दिखानी है, तो 1/y को अकेले करना था तो हम ये जो 1/5x है उधर ले आते हैं, तो यहाँ 1/y रह जाएगा इज इक्वल टू 1/3z माइनस 1/5x। ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन बोला था ना प्रूव दैट, तो हमने प्रूव कर दिया, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इफ 5 raised to the power L इज इक्वल टू 7 raised to the power M इज इक्वल टू 35 raised to the power N,
वो कह रहा है ये तीन आपस में इक्वल है, बिल्कुल सेम है जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करके गए, वही सारे सेम स्टेप फॉलो करने हैं। वो कह रहा है इन तीन के आंसर आपस में इक्वल है, मान लो कि इन सब के आंसर सेम ही आए थे जिसकी वजह से ये इक्वल था, तो वो सेम आंसर क्या आया था, लेट से इसका भी आंसर के आया था, इसका भी आंसर के आया था, इसका भी आंसर के आया था, तो हमने तीनों को इक्वल टू लिख दिया कि इन सब का आंसर के है। दैट मीन्स 5 raised to the power L जो था उसका भी आंसर के, 7 raised to the power M जो था उसका भी आंसर के, 35 raised to the power N जो था उसका भी आंसर के। अब इधर की पावर उधर जाके क्या होती है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था रेसिप्रोकल, बेस को तो ऐसे ही रहने दो 5, K की पावर में L जब उधर आएगा तो 1/L हो जाएगा रेसिप्रोकल। ये हमने 5 का आंसर बनाया। अब बनाते हैं 7 का, 7 = K की पावर, ये M उधर आ जाएगा 1/M। यहाँ पे 35 की पावर जो है वो इधर आएगी, तो 35 = K की पावर N थी इधर आके 1/N हो जाएगी, पावर को उल्टा कर देना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, देखो 5 एक प्राइम नंबर है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, 7 एक प्राइम नंबर है, ये किसी टेबल में नहीं आता, अपने टेबल में आता है, इसे भी चेंज नहीं करना। 35 जो है ना वो प्राइम नहीं है, तो हम इसे बदलते हैं, 35 जो होता है 5 × 7, 5 × 7 = 35 = K की पावर 1/N। ये जो 5 है, इस 5 का आंसर जो आपने यहाँ बनाया था वो लिख दो, K की पावर 1/L × 7, 7 जो है वो ये है K की पावर 1/M = K की पावर 1/N। तो 5 और 7 हटा दिया, उनके आंसर बढ़ दिए, बेस सेम है और बीच में क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, तो बेस को तो ऐसे ही लिखो, पावर आपस में प्लस हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई की वजह से पावर प्लस होती है, तो 1/L + 1/M = K की पावर 1/N। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बेस क्या है, सेम, और बीच में क्या आ रहा है इक्वल, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से जो सेम बेस हैं वो बेस तो कट जाएंगे, बचेगा 1/L + 1/M, जो लेफ्ट की पावर है वो इक्वल हो जाएगी राइट की पावर के, इक्वल 1/N। यही आपको प्रूव करना था क्वेश्चन में, तो हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स सच दैट a + b raised to the power -1 ब्रैकेट a raised to the power -1 + b raised to the power -1 = a raised to the power x b raised to the power y। और आपको फाइंड क्या करना है, x + y + 2। अगर आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको सबसे पहले x और y का आंसर फाइंड करना होगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे पूरी होल ब्रैकेट में ऊपर पावर -1 है, तो पावर जब नेगेटिव होती है तो हमें पता है हमें रेसिप्रोकल करना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लगाएंगे और फिर रेसिप्रोकल करके 1 ऊपर कर देंगे, और a प्लस बी की पावर जो माइनस की थी वो नीचे आके प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे कोई साइन नहीं है दो ब्रैकेट के बीच में, तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब इस ब्रैकेट में भी देखो a की पावर माइनस की है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, पावर माइनस की है प्लस की करना है तो 1/a^1 रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, रेसिप्रोकल करके 1/b^2 जो माइनस की थी वो अब प्लस की हो जाएगी, इक्वल a^x b^y। 1/a + b^1 थी, यहाँ माइनस तो हट चुका था, पावर 1 थी। पावर 1 का मतलब होता है 1 टाइम आप उसको लिखोगे जिसकी पावर 1 है, तो हमने 1 टाइम लिख दिया a + b को,
ठीक है। ऐसे ही यहाँ 1/a^1 है, यानी a 1 टाइम आ रहा है और नीचे b 1 टाइम आ रहा है। a और b का एलसीएम आप ले लो, a और b का एलसीएम होगा ए बी। ए के टेबल में a कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा, b की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगी तो b 1 जा b। b के टेबल में b ओवर होगा, b के टेबल से b कट जाएगा, बचेगा कौन a। तो a की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से करेंगे तो यहाँ आएगा a इज इक्वल टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी लिखा है और वहाँ न्यूमरेटर में ए प्लस बी, बी प्लस ए कह लो या ए प्लस बी, मीनिंग ए की होता है, तो ये सेम है, कट गए, तो बचेगा 1/ab इज इक्वल टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। देखो यहाँ पे राइट हैंड पर ए और बी जो है वो ऊपर लिखे हुए हैं न्यूमरेटर में, जबकि ए और बी लेफ्ट हैंड पर अपॉन के नीचे है, तो आप इन दोनों ए और बी को ना ऊपर लेकर आओ जैसे यहाँ है, तो जब ये ऊपर जाएंगे तो इनकी पावर बदल जाएगी, माइनस की हो जाएगी। नीचे यहाँ ए की पावर कुछ नहीं है तो ये 1 है, बी की पावर कुछ नहीं है तो ये भी क्या है 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती वहाँ पर पावर 1 होती है प्लस की, तो ये प्लस की पावर 1 जब ऊपर जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगी, तो ऊपर हो जाएगा ए की पावर -1 बी की पावर -1 और ये 1 मल्टीप्लाई में लिखा रहेगा। यहाँ इन दोनों को हम ऊपर ले गए, ऊपर वाला 1 एज इट इज लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू ए पावर एक्स बी पावर वाई। ठीक है, अब इसको 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा, तो हम यहाँ 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ सिंपल क्या किया, जो अपॉन में नीचे नंबर थे अल्फ़ाबेट थे उनको जब ऊपर लेके गए तो उनके साइन बदल दिए, और ऊपर था 1 तो 1 लिख के नहीं दिखाया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर वही आएगा, कोई और वैल्यू होती 1 के प्लेस पर यहाँ तो वो ज़रूर लिखनी पड़ती हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे, यहाँ कंपेयरिंग करेंगे दोनों साइड्स पे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे जब आप कंपेयर करोगे तो ए वाले की पावर ए वाले के इक्वल होगी, तो यहाँ पे ए की पावर -1 है और ए की पावर यहाँ पे एक्स है, तो कंपेयरिंग करके एक्स का आंसर पता चला कि एक्स इज़ -1। ठीक है, अब बी वाले कंपेयर करेंगे पावर, यहाँ बी की पावर -1 है, यहाँ बी की पावर वाई है, तो कंपेयर करके वाई क्या आएगा -1। अब हमने एक्स और वाई तो फाइंड कर लिए, फाइनल आंसर अभी फाइंड करना बाकी है। क्वेश्चन में बोला था फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस टू, तो एट लास्ट हमें एक्स प्लस वाई प्लस टू फाइंड करने के लिए पुट करनी है एक्स की वैल्यू -1 और वाई की भी वैल्यू -1। तो यहाँ पे आप -1 रखोगे प्लस साइन, y हटा के -1 रखोगे प्लस साइन 2। -1 प्लस और माइनस क्या होता है -1 प्लस 2, -1 और -1 हो जाएगा -2, क्योंकि साइन तो माइनस का ही आएगा बट माइनस और माइनस प्लस होते हैं, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके 2 लिखेंगे प्लस 2, माइनस का 2 और प्लस का 2 कट के आंसर क्या बचेगा 0। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन 6 का आपका क्या है 0। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है a रेज टू द पावर -1 b रेज टू द पावर 2 अपॉन a रेज टू द पावर 2 b रेज टू द पावर -4 होल पावर 7 डिवाइड a रेज टू द पावर 3 b रेज टू द पावर -5 अपॉन a पावर -2 b पावर 3 इज इक्वल टू a पावर x b पावर y। आपको फाइंड क्या करना है, x एंड y फाइंड करने के लिए कहा है, तो आपको यहाँ करना क्या है, सबसे पहले आप देखो फर्स्ट ब्रैकेट में ये भी बेस और ये भी बेस सेम है, तो आप यहाँ सबसे पहला वर्क क्या करें, बेस तो सेम है बट ऊपर जो a है ना उसकी पावर माइनस की है, तो पावर जब a की माइनस है तो इसे आप नीचे ले आओ, ऑलरेडी नीचे a की पावर 2 लिखा हुआ है, अब ऊपर से भी आ जाएगा a की पावर -1 तो वो नीचे आके मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा और पावर बदल के लिखेंगे, क्योंकि जब किसी वैल्यू को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो उसके साइन चेंज करने पड़ते हैं, या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो भी पावर के साइन चेंज करने होंगे, तो a की पावर -1 को हम नीचे ले आएंगे, तो जब a की पावर -1 नीचे आएगा तो वो a की पावर +1 हो जाएगा। ऐसे ही b की पावर 4 जो है वो नीचे माइनस की है तो ऊपर ला के उसे प्लस की बना देंगे। ठीक है, तो ऊपर ऑलरेडी b की पावर 2 था, मल्टीप्लाई लगा के
बी की पावर माइनस फोर जो नीचे है वो ऊपर ले जाके प्लस का कर देंगे और होल पावर सेवन थी डिवाइड। यहाँ पर भी वही सेम वर्क देखना है, बी माइनस की पावर वाला है ऊपर बट नीचे भी पावर प्लस है, तो हम नीचे बी की पावर थ्री को तो ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई लगा के ऊपर वाला बी जो है वो नीचे ले आते हैं क्योंकि उसकी पावर माइनस की थी, तो ऊपर से हटाकर हम उसे अब नीचे लिखेंगे और पावर माइनस की जगह प्लस कर देंगे। और यहाँ पे ए माइनस का नीचे था पावर में, ए की पावर माइनस कहाँ है नीचे, तो नीचे वाला ए की पावर माइनस टू ऊपर आ जाएगा, तो ए की पावर थ्री तो अपनी प्लेस पर ही रहेगा, मल्टीप्लाई नीचे वाला ऊपर आ रहा है ए की पावर माइनस टू तो ऊपर आ गया ए की पावर प्लस टू हो जाएगा, इक्वल में ए की पावर एक्स है बी की पावर वाई। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, दोनों बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है तो पावर प्लस हो जाएंगी, बी की पावर टू प्लस फोर सिक्स, यहाँ भी दोनों बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है तो ए को तो ऐसे ही लिखो और पावर को प्लस कर दो, टू प्लस वन थ्री डिवाइड, ये भी बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर जोड़ दो, ए की पावर थ्री प्लस टू हो के फाइव हो जाएगा, ये भी बेस सेम है मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस कर दो, बी की पावर थ्री प्लस फाइव क्या हो जाएगा एट, इज इक्वल टू में क्या है ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, नेक्स्ट वर्क ये है कि आप यहाँ डिवाइड का साइन जो है ना ये इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, बी की पावर सिक्स अपॉन ए की पावर थ्री ऐसे ही रहेगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओ और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओगे तो आगे वाला फ्रैक्शन उल्टा करोगे, बी की पावर एट ऊपर होगा और ए की पावर फाइव नीचे होगा, इज इक्वल टू में क्या है ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, मल्टीप्लाई आ रहा है बीच में तो ऊपर ऊपर वाले बेस सेम है और मल्टीप्लाई है बीच में तो पावर प्लस हो जाएगी, बी की पावर सिक्स और एट ऐड हो जाएंगे तो एट और सिक्स क्या हो जाएगा फोर्टीन। अच्छा यहाँ ये जो पावर सेवन थी ये रह गई, ये लिख देते हैं हम यहाँ होल पावर सेवन, ठीक है ना, ये होल पावर सेवन यहाँ भी करेंगे, ये होल पावर सेवन को पहले हम सॉल्व करते हैं, पहले हम यहाँ क्या करेंगे जो ये होल पावर सेवन है इसे सॉल्व करते हैं, तो बी की पावर सिक्स इनसाइड है और सेवन आउटसाइड है तो इनसाइड और आउटसाइड पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, सेवन सिक्स जा क्या होगा फोर्टी टू अपॉन ए की पावर तीन ब्रैकेट के अंदर थी और ये जो बाहर सात था ना ये सब पूरी ब्रैकेट का था, तो इस बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री को सेवन से तो थ्री सेवन जा क्या हो जाएगा ट्वेंटी वन, मल्टीप्लाई बी की पावर एट अपॉन ए की पावर फाइव इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स बी रेस टू द पावर वाई। नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, ऊपर वाले बेस सेम है बी और बी इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाएंगी, बी की पावर 42 और 8 ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 50 अपॉन ए, नीचे सेम है बेस दोनों ही ए बेस हैं और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल था तो पावर यहाँ भी प्लस करेंगे, ए की पावर 21 प्लस 5 करेंगे तो 26 बनेगा इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स बी रेस टू द पावर वाई। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पर आप राइट हैंड पर देखोगे ए और बी अल्फ़ाबेट दोनों ही न्यूमरेटर में है, अपॉन के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसे भी ऊपर ले आते हैं ताकि दोनों साइड्स सिमिलर दिखाई दें, तो हम यहाँ क्या करेंगे ए की पावर जो 26 नीचे था वो ऊपर आके माइनस हो जाएगा और ये बी की पावर 50 ऊपर ही रहेगा एज इट इज़ इक्वल टू ए पावर एक्स बी पावर वाई। अब आपको कंपेयरिंग करनी है बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो जब आप कंपेयर करोगे ना तो ए वाली पावर लेफ्ट हैंड की और ए वाली पावर राइट हैंड की आपस में इक्वल होंगी, तो आप यहाँ कंपेयर करके देखोगे ए से ए कट जाएगा, माइनस का 26 बराबर एक्स आएगा तो एक्स का आंसर हो गया माइनस 26। ऐसे ही बी वालों को कंपेयर करना है, यहाँ पे भी बेस बी यहाँ पे भी बेस बी बीच में इक्वल है तो कंपेयर करने पे पावर इक्वल हो जाएंगी, 50 किसके इक्वल हो जाएगा वाई के, तो वाई का आंसर कितना आ जाएगा 50। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन 7 का आपका क्या है, एक्स का आंसर है माइनस 26 और वाई का है 50। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है और आंसर शीट में इसका आंसर भी रॉन्ग है।
लास्ट ईयर जो हमने अपने स्कूल में बुक टेक्स्ट बुक यूज़ करी थी सेलिना पब्लिकेशन, उसमें भी ये क्वेश्चन था। बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि यहाँ क्वेश्चन का आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, आंसर शीट में आंसर भी इनकरेक्ट दिया हुआ है और ये क्वेश्चन भी इनकरेक्ट है थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स और वाई के बीच में प्लस दिया हुआ है। सबसे पहली गलती ये है कि आप यहाँ माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको एक्स का आंसर दिया हुआ है क्यूब रूट 28, वाई का आंसर दिया हुआ है क्यूब रूट 27, ये सब तो सही है। बट जो हमें फाइंड करना है उसमें करेक्शन है, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है जबकि ये एक्स माइनस वाई माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये है क्वेश्चन। लास्ट ईयर की बुक में टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन था, ठीक है। आंसर इसका आंसर शीट में गलत दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन भी गलत है तो आंसर भी इसका गलत है। आंसर आंसर शीट में इसका आपका 6 दिया हुआ है जबकि आंसर 0 आएगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा ये देखो मैं यहाँ आपको बताऊँगा। सबसे पहला वर्क हमें ये जो चीज़ फाइंड करनी है, इसमें एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, वाई के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओ। अब आप इन्हें सॉल्व करने के लिए एलसीएम लो, पहले एलसीएम 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आएगा। 1 के टेबल में इस डिनोमिनेट एलसीएम को देखेंगे तो 1 के टेबल में ये इतनी ही टाइम आएगा जितनी टाइम यहाँ लिखा हुआ है और उसके ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई होगी। तो हमें x की मल्टीप्लाई किससे करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। अब आगे साइन क्या आया, माइनस। अब नीचे 1 था, 1 के टेबल में ये एलसीएम इतनी ही बार आएगा और इसको आप ऊपर वाले y से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें y से मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की। आगे क्या है, माइनस साइन। एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टेबल में ये कितनी बार आएगा, सेम के टेबल में सेम कौन कितनी बार आता है, एक बार आता है। उस एक को ऊपर वाले एक से मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आएगा। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू एक्स वाई होगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस लगाएंगे। वाई की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर वाई, माइनस की प्लस से करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होगा, वाई की एक्स वाई से करेंगे तो बनेगा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस होता है, वाई की वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई क्यूब बनेगा। आगे है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, नेक्स्ट वर्क आपको ये करना है कि आप यहाँ देखोगे माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई कट जाएंगे क्योंकि ये साइन उल्टे हैं बट चीज़ एक ही है। ऐसे ही ये एक्स वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इनके साइन भी उल्टे आ रहे हैं। तो बचता क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको एक्स का क्यूब करना है तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू ब्रैकेट में भरो जो कि क्यूब रूट 28 थी और उसका पावर क्या लो 3, माइनस वाई क्यूब, वाई की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में क्यूब रूट 27 और इसकी भी पावर क्या लो 3 क्योंकि वाई के ऊपर क्यूब है। आगे है माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर है, हमारे पास एक्स स्क्वायर करने के लिए एक्स की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, क्यूब रूट 28 का स्क्वायर एक्स इंटू वाई, क्यूब रूट 28 इंटू क्यूब रूट 27 प्लस वाई का स्क्वायर, वाई ब्रैकेट में लिखेंगे और बाहर स्क्वायर, वाई क्या था क्यूब रूट 27। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्क आपको क्यूब करना है। देखो यहाँ पे सिंबल जो है 28 के ऊपर वो क्यूब रूट का है और होल पावर में क्या है 3, तो पावर 3 से ये जो क्यूब रूट का साइन है ये कट जाएगा तो आंसर आपका बचेगा 28। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप रूट हटाओ तो रूट की जगह पावर क्या आती है, देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, ये 28 के ऊपर रूट है क्यूब वाला तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 28 की पावर 1/3 है क्योंकि जब रूट हटता है तो पावर 1/1 बनती है और एक क्यूब ये एक्स के ऊपर था तो वो क्यूब जब आप लगाओगे तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा और 28 ही बचेगा, इसीलिए मैंने जब क्यूब रूट वाले का क्यूब किया तो आंसर 28 लिखा। ऐसे ही यहाँ भी क्यूब रूट वाले का क्यूब करना है तो आंसर क्या आएगा,
27 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे क्यूब रूट है और बाहर स्क्वायर है, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसे ऐसे ही लिखते हैं, क्यूब रूट 28 ही लिखते हैं और बाहर स्क्वायर प्लस क्यूब रूट है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप इसे लिख सकते हो क्यूब रूट लगा के 28 इंटू 27, मतलब दो दो रूट ना लगा के एक ही रूट बना लिया, क्यों? क्योंकि दोनों के रूट एक जैसे थे, तो मल्टीप्लाई में हम एक ही रूट के अंदर कर सकते हैं उन्हें, प्लस ये स्क्वायर रूट नहीं है, अगर ये स्क्वायर रूट होता तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन कट जाता, बट ये क्यूब रूट है और बाहर लिख रहा है स्क्वायर, तो ये सॉल्व नहीं होगा, ऐसे ही लिखते हैं क्यूब रूट 27 का स्क्वायर। अब आप न्यूमरेटर में ऑब्जर्व करोगे न्यूमरेटर में कि 28 माइनस 27 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 0, तो ऊपर तो 0 बन जाएगा और नीचे क्यूब रूट 28 का स्क्वायर प्लस क्यूब रूट 28 इंटू 27 प्लस क्यूब रूट 27 का स्क्वायर। अब जब न्यूमरेटर में 0 आ ही गया है, नीचे चाहे कुछ भी कितना भी डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा हो, नीचे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी भारी सा दिखाई दे रहा है, काफ़ी डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें डिवाइड किसको करना है, 0 को करना है, तो जब आप किसी भी वैल्यू से 0 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन 8 का जो आंसर है वो आपका 0 है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है ए रेज टू द पावर -1 अपॉन ए रेज टू द पावर -1 प्लस बी रेज टू द पावर -1 प्लस ए रेज टू द पावर -1 अपॉन ए पावर -1 माइनस बी पावर -1 इज इक्वल टू 2b² अपॉन b² माइनस ए स्क्वायर। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आप इसको सॉल्व करके इक्वल लाओ सेम जैसा कि यहाँ राइट हैंड साइड पे दिया है, तो हम यहाँ सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, राइट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे यहाँ, ठीक है, हम जो सॉल्व करेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड जैसा आंसर लेकर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, ए की पावर जो है ना वो -1 है, ए की पावर -1, अगर किसी अल्फ़ाबेट की पावर माइनस की होती है तो मैंने आपको प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चंस में बताई है ये बात कि आप उसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब ए की पावर -1 जो है ना वो ऊपर लिखा है तो आप इसको नीचे ले आओ, अपॉन के नीचे जब आप ले आओगे ना यहाँ ए की पावर -1 तो वो माइनस हट के +1 हो जाएगी और ऊपर क्या रह जाएगा, 1, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर हम इनको लिखेंगे, ये भी नेगेटिव पावर है ए की पावर -1 तो इसे आप लिखोगे 1 अपॉन ए की पावर +1 प्लस ये बी की पावर -1 है तो इसे आप लिखोगे 1 अपॉन बी की पावर +1, तो ऊपर वाला जो ए की पावर -1 था वो हम नीचे ले आए, इधर लिख दिया हमने, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर। सेम वर्क हम आगे भी करेंगे, प्लस ए की पावर -1 ऊपर दिया है तो ऊपर से हटा दो तो ऊपर 1 रह जाएगा, और जब इसे हटा के नीचे लाओगे तो ए की पावर -1 नीचे आकर क्या हो जाएगा, ए की पावर +1 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर से इसको हमने नीचे लिख दिया। और दूसरी चीज़ जो ये अपॉन में ऑलरेडी नीचे दिया था, इनकी पावर माइनस की है तो इन्हें प्लस की बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप अपॉन में 1 लगा के लिख के देख लो, इसके अपॉन में 1 और इसके भी अपॉन में 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए की पावर -1 दिया था तो इसका प्लस पावर करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1 ऊपर ए की पावर 1 जो माइनस की थी वो नीचे आगे प्लस की हो गई। अब आगे क्या साइन है, ये आगे है माइनस का साइन तो हम भी माइनस लगाएंगे, b की पावर -1 अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 लिया था, रेसिप्रोकल करेंगे 1 ऊपर और b की पावर -1 नीचे, तो नीचे जब आएगा ना तो इसका माइनस भी हट जाएगा, हम सिर्फ +1 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 1 अपॉन a की पावर 1, पावर 1 नहीं लिखा करते कभी भी, पावर 1 को हम छोड़ देंगे, तो ये a की पावर 1 का मतलब a ही है, और ब्रैकेट में आप इन्हें प्लस करने के लिए एलसीएम लोगे और a का और b का, तो a और b का जो एलसीएम है वो ए बी है, a के टेबल में a ख़त्म हो जाएगा, b बचेगा, b के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा,
प्लस बी के टेबल में बी ख़त्म हो जाएगा, बी के टेबल में बी ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा ए, उस ए के ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई करेंगे ए वन जा ए, प्लस सेम वर्क इधर भी करना है, वन अपॉन नीचे वाला ए एज इट इज़ लिखेंगे और ब्रैकेट में इन्हें ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे, ए की पावर वन और बी की पावर वन, पावर वन कुछ नहीं होती इन्हें भूल जाओ, ए और बी का एलसीएम ए भी होगा, ए के टेबल में ए ओवर हो जाएगा बी बचेगा, माइनस बी के टेबल में बी ओवर हो जाएगा ए बचेगा। नेक्स्ट वर्क हमने यहाँ क्या करना है, ये जो वन अपॉन ए था इसको तो एज इट इज़ रहने दो, बट ये जो ब्रैकेट वाला है ना इसे ऊपर ला के रेसिप्रोकल कर दो, मल्टीप्लाई लगा के लिख दो, ए बी ऊपर हो जाएगा और जो बी प्लस ए ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। सेम वर्क यहाँ भी करना है, ये ब्रैकेट को रेसिप्रोकल कर देंगे ऊपर ला के, बट वन अपॉन ए एज इट इज़ रहेगा, वन अपॉन ए मल्टीप्लाई ये ऊपर आ जाएगा ए बी, नीचे जो था वो ऊपर हो जाएगा और ऊपर बी माइनस ए जो था वो नीचे। अब ए से ए कैंसिल, ये ए से ये ए कैंसिल, तो बचता है बी अपॉन बी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। अब इन्हें आप ऐड करने के लिए एलसीएम लोगे, एलसीएम क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में आपको दोनों डिफरेंट दिखाई देंगे साइन की वजह से, बी प्लस ए और ये बी माइनस ए सेम नहीं है, दिखाई सेम से रहे हैं लेकिन बीच में साइन उल्टे आ गए, तो एलसीएम दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं तो एलसीएम में ये दोनों ही आएंगी, बी प्लस ए भी आएगी और बी माइनस ए भी आएगी। बी प्लस ए जो है वो उसके टेबल में बी प्लस ए तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये बी माइनस ए, तो ये जो बी माइनस ए बचेगा इसके ऊपर वाले बी से मल्टीप्लाई करनी है, बी की मल्टीप्लाई बी माइनस ए से प्लस। अब अपॉन के नीचे बी माइनस ए है तो बी माइनस ए के टेबल में बी माइनस ए तो ख़त्म हो जाएगा, बी प्लस ए बचेगा, ये जो बी प्लस ए बच रहा है ये ऊपर वाले बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर वाले बी से मल्टीप्लाई होगा बी प्लस ए, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू ए हो जाएगा ए बी, प्लस साइन बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस का बी इंटू प्लस का ए हो जाएगा प्लस का ए बी, अपॉन अपॉन में जो ये वैल्यू दी है ना ये फार्मूला है एल्जेब्रिकल फार्मूला, बी प्लस ए बी माइनस ए, सेम ब्रैकेट है एक में प्लस और एक में माइनस, तो ऐसे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ हमने फार्मूला आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस दिया था तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब नेक्स्ट वर्क, माइनस का ए बी प्लस का ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा टू बी स्क्वायर, और अपॉन में बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यही हमें लेकर आना था, तो हमारा आंसर आ गया। सो वी विल राइट हेयर एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव, तो जो क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था वो हमने यहाँ प्रूव कर लिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, 5 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 की पावर x माइनस 2। यहाँ पर ये इक्वल दिए हैं आपस में, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड पे तो बेस 5 है बट राइट पे बेस 5 बनाया जा सकता है, तो हम 5 की पावर x प्लस 1 लिखेंगे, और ये जो 25 की पावर है 25 हटाओ और 25 की जगह 5 लाओ, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे 5 है तो राइट पे भी 5 का ही बेस बनाना है, 25 दिया था जबकि हम इसे हटा के 5 की पावर 2 लिखेंगे, 25 कौन होता है 5 का स्क्वायर होता है, और जो पावर पहले से ही है वो बाहर लिखेंगे। नेक्स्ट वर्क, 5 की पावर x प्लस 1 ऐसे लिखेंगे, 5 की पावर 2 जो है वो बाहर दोनों पावर से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स, 2x, 2 इंटू माइनस 2, तो ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा,
ये 5 की पावर आएगा, थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं इसे, ये पावर में है, ठीक है, 2x-4। तो हमने क्या करा, बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर को आपस में मल्टीप्लाई करा, 25 को बदल के 5 का स्क्वायर लिखा था। तो अब मल्टीप्लाई करना था, 2 × x 2x, 2 × 2 4, इधर भी बेस 5, इधर भी बेस 5। तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, लेफ्ट हैंड में x+1 इज इक्वल टू राइट हैंड में 2x-4। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, माइनस का 4 इधर ले आएंगे तो 1+4 हो जाएगा, और प्लस का x इधर ले आएंगे तो माइनस का x। अब 2x में से x को जब माइनस करेंगे तो x बचेगा, 1+4 5। तो फाइनली यहाँ पर जो हमें x का आंसर मिल गया वो मिल गया 5। अभी क्वेश्चन फाइनल नहीं हुआ, ये सिर्फ हमने x फाइंड करा। अभी क्वेश्चन में कुछ और भी बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, एक इक्वेशन दी है 3 raised to the power x-3 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 3-x, इसका आंसर भी फाइंड करना है, इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, रखेंगे x की वैल्यू 5, तो 3x हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5-3 इंटू 2 raised to the power 3-x है, x का आंसर क्या था 5। 3 की पावर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 की पावर 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, 1 की पावर प्लस है वो ऊपर रहेगा, 1 की पावर नीचे है तो वो अप ऑन में रहेगा, ठीक है। ये 2 की पावर 2 यहाँ गलत लिख दिया मैंने, ये 2 की पावर -2 है, इसको माइनस पावर की वजह से नीचे ले आए हम, नीचे लाने से 2 की पावर -2 हट के +2 हो गई। तो हमारा आंसर फाइनली क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो फाइनल आंसर है 9/4। आप इसे मिक्स्ड में कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 4 × 2 = 8, 1/4, 2 whole 1/4। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, ए की वैल्यू गिवन है x × y raised to the power p-l, बी भी गिवन है, b इज इक्वल टू x y raised to the power q-, ये l यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार मैं टेक्स्ट बुक में चेक करता हूँ ये q-1 है या q-l, एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये 1 है, L नहीं है, दिस इज़ 1, तो ये हम करेक्ट करते हैं, ये 1 है, p-1, ये है q-1, C का आंसर है x y raised to the power r-1। यहाँ पे A, B और C की वैल्यू दे रखी है और प्रूव करना है A की पावर q-r इंटू B की पावर r-p इंटू सी की पावर p-q। जब इन तीनों को सॉल्व किया जाएगा तो आंसर 1 आएगा, ऐसा प्रूव करना है। तो a की पावर q-r है, a हम x y की पावर p-1 पुट करेंगे, a के प्लेस पर ये वैल्यू रख दी, और जो पावर a की थी वो पावर हम बाहर रखेंगे q-r, डॉट ये डॉट मल्टीप्लाई के लिए लगा रहे हैं। अब b हटाते हैं, b की प्लेस पर आएगा x y raised to the power q-1, ये हमने किसकी जगह लिखा, b की जगह, और जो पावर थी r-p वो ऊपर एज इट इज़ आएगी, डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, c की पावर p-q लिखी है हमारे पास c की पावर, बट हम c का आंसर क्वेश्चन में गिवन था तो हम इस c को हटाएंगे और इस c की प्लेस पे c का आंसर रखेंगे। तो यहाँ पर C की प्लेस पर आंसर क्या आएगा, C का आंसर है x y raised to the power r-1 whole power, जो C पे है p-q। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, हमें ये जो बाहर पावर दी है आउटसाइड ब्रैकेट के बाहर, ये पावर दोनों अल्फ़ाबेट पे ब्रैकेट के अंदर लगानी है, x के भी पावर q-r इंटू मल्टीप्लाई लगा लें या डॉट लगा लें, एक ही बात है, y की पावर p-1 अब है
और पहले से एक पावर क्वेश्चन में भी दे रखी थी क्यू माइनस आर, मतलब ये बाहर वाला एक्स के ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा पावर में और इधर भी, तो पी माइनस वन पावर की पावर से मल्टीप्लाई होगी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, ठीक है। आगे डॉट हटा के मल्टीप्लाई लगा लो, ये जो बाहर पावर है आर माइनस पी, ये इधर एक्स पर भी आएगी और इधर वाई पर भी, तो एक्स की पावर आर माइनस पी इंटू वाई की पावर, एक अंदर ब्रैकेट में है और एक बाहर, तो हम जानते हैं वाई की पावर अंदर वाली ब्रैकेट में जो है उसकी मल्टीप्लाई बाहर वाले से करोगे, फिर डॉट है, डॉट का मतलब इनटू एक्स की पावर, ये जो बाहर है पूरा पी माइनस क्यू वो भी है, आगे कोई साइन नहीं है एक्स के बाद, तो एक्स के बाद कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई ही पुट करेंगे, तो ये हमने एक्स की पावर कर दी पी माइनस क्यू। अब वाई की पावर आर माइनस वन पहले से थी, एक पावर ब्रैकेट के अंदर है एक पावर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होंगी, तो y की पावर r माइनस वन की मल्टीप्लाई p माइनस क्यू से होगी। अब नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करनी है सिंपल, और जो बेस सेम है उनको सॉल्व करना है आपस में, जैसे ये x बेस है, ये x बेस है, ये भी x बेस है, सब बेस x हैं ये, तो यहाँ पे ये सारे बेस जो सेम हैं इनके पावर को हम पहले ऐड करेंगे, x रेज टू द पावर q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है। ये हमने x की जो पावर थी उन सबको ऐड करके लिख दिया। अब जो बचे y हैं, ये y वाले बच रहे हैं, पहले आप इनकी पावर को सॉल्व कर लो, y की पावर p माइनस वन की मल्टीप्लाई q माइनस आर से करनी है, तो पहले p की q से करेंगे तो पी क्यू बनेगी पावर, p की माइनस आर से करेंगे तो माइनस का पी आर बनेगा, माइनस वन की क्यू से करेंगे तो माइनस का क्यू बचेगा, माइनस के वन की माइनस के आर से करेंगे तो प्लस का आर हो जाएगा। अब दूसरी वाई वाली पावर सॉल्व करते हैं, वाई की पावर ये दो हैं इनको भी सॉल्व करते हैं, पहले क्यू की करेंगे तो आप जो है क्यू की मल्टीप्लाई करोगे, पहले क्यू इंटू आर क्यू आर, क्यू इंटू माइनस पी माइनस का पी क्यू, माइनस का वन इंटू आर माइनस का आर, माइनस का वन इंटू माइनस का पी तो प्लस का पी हो जाएगा। अब ये वाला वाई सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वाई की पावर मल्टीप्लाई करनी है आर इंटू पी आर इंटू माइनस क्यू, माइनस का वन इंटू पी माइनस का वन पी, माइनस का वन इंटू माइनस का क्यू प्लस का क्यू। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पे आप x की पावर जो आपने ऐड करी थी उनको आप देखो तो वो कैंसिल हो रही हैं आपस में, ये कट जाएंगी, ये प्लस का q है ये माइनस का q कैंसिल, प्लस p माइनस p कैंसिल, प्लस r माइनस r, तो फाइनली यहाँ x की पावर सब कुछ कट हो गई तो ज़ीरो बची। अब बारी है y को सॉल्व करने की, ये सारे बेस y हैं सेम है और सबके बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, तो हम y की पावर प्लस कर देंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो हम सारी पावर एक एक करके प्लस लगा के लिखेंगे, पी क्यू माइनस पी आर माइनस का क्यू प्लस का आर, फिर प्लस लगा के दूसरे वाई की पावर लिखनी है क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, प्लस थर्ड वाली लिखनी है पावर सारी आर पी माइनस आर क्यू माइनस का पी प्लस क्यू। ये जो पी क्यू प्लस का है वो इधर भी है, पी क्यू माइनस का कैंसिल हो गए, पी आर माइनस का है ये आर पी प्लस का है, आर पी कह दो या पी आर कह दो, माइनस का क्यू यहाँ है तो प्लस का क्यू यहाँ है, ये कैंसिल हो गए, प्लस आर से माइनस आर, प्लस क्यू आर से माइनस आर क्यू या क्यू आर कह दो, फिर प्लस पी से माइनस पी, तो आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा, यहाँ भी सारे कैंसिल हो गए, तो फाइनली हमारे पास बचा एक्स की पावर ज़ीरो मल्टीप्लाई वाई की पावर भी सारी कट गई तो ज़ीरो बचा। किसी की भी पावर ज़ीरो होगी तो वन, वाई की भी पावर ज़ीरो है तो ये भी आंसर क्या होगा वन, और वन इंटू वन क्या होता है वन, तो लेफ्ट हैंड साइड जो दी थी वो हमने सॉल्व करी और आंसर जो है प्रूव करना था कि वन आएगा, तो हमारा आंसर भी वन ही आया, तो एट लास्ट हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 12, ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी रेज टू द पावर वाई इज इक्वल टू सी रेज टू द पावर जेड इज इक्वल टू डी रेज टू द पावर डब्ल्यू। ये चार आपस में इक्वल दिए हुए हैं आपको, ठीक है। ये चारों के चारों आंसर्स आपस में इक्वल हैं। लेट कर लें कि इन सब का आंसर इक्वल टू के है। ये सब के सब इक्वल थे आपस में, किसकी वजह से, क्योंकि इन सब का आंसर एक ही आ रहा था, के। दैट मीन्स ए की पावर एक्स का आंसर भी के है, बी की पावर वाई को सॉल्व करेंगे तो उसका भी आंसर के है, बीच में लाइन खींच लेंगे, सी की पावर जेड का भी आंसर सॉल्व करके के है, और लास्ट में डी की पावर डब्ल्यू का भी आंसर के है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ए को अकेले बनाओ आप। इधर की पावर उधर जब जाएगी तो एक साइड की पावर अगर दूसरी साइड पर जाती है ना, तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये रूल है कि ए के ऊपर अगर पावर जो एक्स लिखी है, अगर हम उसे उठा के राइट हैंड पर लेके जाएं, तो के ऊपर जब पावर लिखी जाएगी तो वो एक्स नहीं लिखा जाएगा, वन अपॉन एक्स लिखा जाएगा। ऐसे ही यहाँ बी के ऊपर जो वाई है ये इधर ले आओ, तो बी इज इक्वल टू के की पावर वन अपॉन वाई आएगा। सेम वर्क यहाँ करेंगे, सी बनाएंगे, सी इज इक्वल टू के की पावर वन अपॉन जेड, और यहाँ डी का आंसर बनाएंगे, डी इज इक्वल टू के की पावर वन अपॉन डब्ल्यू। तो हमने यहाँ ए बी सी और डी के आंसर तैयार कर लिए। क्वेश्चन में गिवन क्या था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो यहाँ भी लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए का आंसर के की पावर वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई, बी का आंसर के की पावर वन अपॉन वाई इज इक्वल टू सी हटाएंगे, सी का आंसर के की पावर वन अपॉन सेड इंटू डी, जो है वो हमने के की पावर क्या बनाया है, यहाँ लिखते हैं डी हटा के की पावर वन अपॉन डब्ल्यू। ये दोनों बेस सेम है, के है, तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएगी, के की पावर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू के की पावर, ये दोनों भी प्लस हो जाएंगी, वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन डब्ल्यू, क्योंकि बेस सेम थे, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो वही करा है हमने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कंपेयरिंग करनी है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ऐसा करने से जो सेम बेस दिखाई दे रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल में कंपेयर करने पर बेस सेम दिखने वाले कैंसिल हो जाते हैं, बस पावर को इक्वल ले लेंगे। वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई ये लेफ्ट हैंड की पावर, वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन डब्ल्यू ये राइट हैंड की पावर, एलसीएम लेंगे एक्स और वाई का, एक्स वाई, तो एक्स के डेल में एक्स ख़त्म वाई बचेगा, वाई के डेल में वाई ख़त्म एक्स बचेगा, जेड डब्ल्यू का एलसीएम जेड डब्ल्यू, जेड के डेल में जेड ख़त्म डब्ल्यू प्लस जेड के डेल में सॉरी डब्ल्यू के डेल में डब्ल्यू ख़त्म जेड बचेगा, जेड इंटू वन जेड। अब आप आंसर प्रूफ वाले से मैच करो जो प्रूव करना था, तो आप देखेंगे ये वही चीज़ है जो हमको उसने प्रूव करने के लिए कही थी। तो एट लास्ट हम लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, 13 क्वेश्चन। थ्री रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 81। यहाँ पर आप सबसे पहले इसी को सॉल्व करो, आगे का क्वेश्चन बाद में करेंगे। 3 की पावर एक्स प्लस वाई तो ऐसे ही लिखेंगे, 81 के ना आप प्राइम फैक्टर लेना, तो ये भी जो है 3 की पावर बनेगा, 3 की पावर 4 बनेगा, अगर आप 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो ना तो 81 आता है। अब बेस बेस सेम दिख रहे हैं आपको, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, आप ना दोनों साइड्स पर कंपेयर करोगे। तो जब कंपेयर करोगे दोनों साइड्स लेफ्ट पे और राइट पे, तो सेम बेस जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। बेस जो 3-3 थे वो कैंसिल हो गए, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आया, इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, 81 की पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पर आप 81 को बदलो, 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, और जो पहले से ही पावर है वो ब्रैकेट के बाहर लिखो।
अब यहाँ दो पावर हो गई, एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर, तो 3 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों, अंदर वाली पावर बाहर वाली से मल्टीप्लाई। तो 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 4x माइनस 4 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आपको 3 की पावर कुछ नहीं दिख रहा, तो पावर में क्या लेंगे 1, यहाँ भी पावर में क्या लेंगे 1, यहाँ भी पावर में कुछ नहीं है तो 1। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे बेस तो सेम है, 3 3 दोनों बेस, बीच में इक्वल भी आ रहा है, तो हम कंपेयर करके पावर को इक्वल ले लेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब आप कंपेयर करोगे दोनों साइड्स पे तो सेम दिखने वाले बेस वो तो कैंसिल हो जाएंगे, बस पावर अकेली जो रह जाएंगी उनको इक्वल ले लेंगे, 4x माइनस 4y लेफ्ट हैंड की पावर इक्वल राइट हैंड की पावर 1। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के पे फोकस करोगे। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और y का भी कोफिशिएंट 1 है, लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट 4 है और y का भी कोफिशिएंट 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 विद 4। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × x 4x 4 × y 4y। फिर आगे है इक्वल, 4 से मल्टीप्लाई इस 4 की भी होगी तो 4 × 4 क्या हो जाएगा 16। ये हमने कौन सी इक्वेशन सॉल्व करी, पहली इक्वेशन जिसमें हमने 4 से दोनों साइड्स को क्या करा था मल्टीप्लाई, और जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम बने हुए हैं तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, नीचे वाले साइन, वैसे कंपलसरी नहीं है साइन चेंज करना, बिना साइन चेंज करे भी हो जाएगा क्योंकि ये जो 4y है ना ये प्लस का है और ये 4y माइनस का, तो साइन पहले से ही y वाले कोफिशिएंट्स के उल्टे आ रहे हैं इसलिए हम इन्हें कट कर सकते हैं, और xx वाले ऐड हो जाएंगे, 4x प्लस 4x 8x, 16 प्लस 1 17, तो फाइनली x मिल जाएगा 17/8। तो क्वेश्चन बोला था फाइंड करो x और y, तो x तो आ गया हमारा 17/8। अब बारी है y को फाइंड करने की, तो ये x की वैल्यू आप पुट कर दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो x प्लस y इज इक्वल टू 4 है, x का आंसर 17/8 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये जो 17/8 प्लस का है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो लेफ्ट पे y रह जाएगा, 4 माइनस 17/8 वाई इज इक्वल टू, अपॉन में 1 लगाएंगे, 8 और 1 का एलसीएम 8, 1 8 जा 8 इंटू 4 32, 8 1 जा 8 1 इंटू 17, तो फाइनली y का आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू 32 माइनस 17, अगर आप माइनस करें तो ये होगा 15/8। ये फर्दर किसी टेबल से कट नहीं होंगे, तो आपका फाइनल आंसर y का क्या हो गया 15/8। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 14 प्रूव करना है, प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करके आंसर आपका 1 आएगा। तो सबसे पहला वर्क क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, x की पावर a अपॉन x की पावर b होल पावर a प्लस b, x पावर b अपॉन x पावर c होल पावर b प्लस c, x पावर c अपॉन x पावर a होल पावर c प्लस a, इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे, वो आंसर हमें लेकर आना है, प्रूव करना है कि इसका आंसर 1 आएगा। सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर बेस देखो सेम है, तो अपॉन है, अपॉन में पावर क्या होती है माइनस, तो आप इसे लिखोगे एक्स की पावर ए माइनस बी और होल पावर में ए प्लस बी। सेम वर्क यहाँ भी करेंगे, एक्स की पावर ये प्लस नहीं है बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे, दोनों बेस सेम है ये एक्स एक्स, तो एक्स की पावर बी नीचे वाला c जब ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की पावर b माइनस c इंटू बाहर जो दिया है वो भी लिखेंगे b प्लस c। यहाँ पर भी सेम स्टेप फॉलो करना है, बेसिस सेम है, तो x की पावर
माइनस हो जाएंगी, ये अपॉन है ना, अपॉन में क्या होती है माइनस, तो सी माइनस ए इंटू बाहर वाली पावर सी प्लस ए। अब लॉस ऑफ एक्सपोनेंट दूसरा वाला यूज़ करना है, यहाँ पर एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर, तो इनसाइड और आउटसाइड पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो एक्स की पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इस तरह से लिखेंगे। एक्स की पावर बी माइनस सी की मल्टीप्लाई बी प्लस सी से इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब यहाँ फार्मूला यूज़ करना है आपने, जो ऊपर पावर है ना ये फार्मूला है, अलजेब्रिकल फार्मूला, एक्स की पावर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स की पावर ये भी फार्मूला वही सेम है, बी प्लस सी में माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स की पावर इन्हें सॉल्व करें तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सारे बेसिस एक्स के क्या हैं, सेम है, सारे बेसिस एक्स ही हैं, यहाँ पे सारे बेसिस क्या हैं एक्स हैं, ये सेम दिख रहे हैं, ऑल द बेस आर सेम, और बीच में मल्टीप्लाई है तो एक ही बेस बनाए और मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से सारी पावर को प्लस कर दें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहली पावर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दूसरी पावर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तीसरी पावर। अब ये जो प्लस ए स्क्वायर है ये माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल होगा, सी स्क्वायर भी कैंसिल होंगे क्योंकि साइन उल्टे हैं, बी स्क्वायर भी कैंसिल होंगे, इनके भी साइन उल्टे हैं, तो एक्स की पावर सब कैंसिल हो गई तो बचा क्या ज़ीरो, और किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर ज़ीरो होती है तो आंसर क्या होता है वन। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। तो एट लास्ट हमें यहाँ क्या लिखना है, प्रूव वाला क्वेश्चन था तो प्रूव वाले क्वेश्चन में LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, ये ज़रूर लिखना है। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर, आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें।